हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला उजंगा सिंह। आप सभी को हैप्पी दिवाली और दुश्मनों को बैड दिवाली। ताले का काम शुरू है। आज बहुत दिन बाद तालों की फोटो डालूंगी। ये देखिए, ये जो बड़े ताले हैं ना, ये खास करके कुछ तीन औरतों के लिए, जिसका कल मैंने नाम लिया था। और ये बाकी पांच ताले तो मेरे ग्रुप वालों के लिए, मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए। इन उद्धव बाला साहब ठाकरे को एक ही मैसेज करूंगी कि भाई हैप्पी दिवाली आपको, आपकी वजह से मुझे इतना बड़ा बहन का दर्जा मिला है। और मराठा आरक्षण के लिए मनोज झंगारे पाटिल को भी मेरी तरफ से बधाई। लेकिन मेरी बात कैसे बधाई दूँ आपको, आप तो मेरी बात सुनते नहीं हो, तो मैं आप पर ध्यान दे नहीं रही। मैं चाहूँ तो ताले का काम करके करवा सकती हूँ, लेकिन अब मैंने सोचा जब तक मुझे सामने से किसी का व्हाट्सअप पे फ़ोन मैसेज नहीं आएगा कि हमारे लिए आप कुछ करो, तब तक मैं नहीं करूँगी। क्योंकि मैंने काम तो कर दिया था, एक दिन की जीत के अंदर आप पीछे हट गए और हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो गए। तो अभी फ़िलहाल मेरा काम राजस्थान के इलेक्शन पर है, तो राजस्थान वालों तैयार हो जाओ। इस बार की सरकार आ रही है, हमारी कांग्रेस की सरकार, और बहुत अच्छे अच्छे नेता आ रहे हैं। थोड़ा सा भरोसा करो, क्योंकि जो आ रही है वो आपको ठगेगी नहीं, है ना, वो गाना नहीं गाएगी। तो ये गाना भूल जाओ, अब की बार ये सरकार, अब की बार वो सरकार, अब की बार जनता की सरकार, ये याद रखो। क्योंकि इस दिवाली की रात को जो मेरा सुल्तान हाजिर होगा, तो वो वही करेगा जो मैं कहूँगी। तो मैं अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को यही कहूँगी कि अगले आने वाले अगले मुख्यमंत्री तो आप ही हैं, मैं तो आपको प्रधानमंत्री देखना चाहती हूँ। शायद हो भी सकता है, क्योंकि कोशिश तो वही चालू है। लेकिन सबसे पहले इस दिवाली की रात को आपको दुश्मनों का स्वाहा तो करूँगी। कल है 10 तारीख, कल कुछ दुश्मनों का बैंड बजेगा, ये बात तो पक्की है। बाकी अब बोलूँगी नहीं, क्या होता है ना, बोलने से करके दिखाने में ज़्यादा मज़ा है। तो ये बात है कि तालों के काम को ना आप लोग इग्नोर मत करो। मतलब कहते हैं ना, मैं जो तालों का काम करती हूँ ना, मुझे बहुत सारे जनों ने बोला है कि तालों के काम से लोगों को आपसे ईर्ष्या है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, अगर मैं 2-4 दिन तालों का काम नहीं करूँ तो मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि जो इतना दिन से तालों का काम किया, वो ताले अपने काम करते आएंगे। और सुल्तान, मेरा सुल्तान जो कर सक वही नहीं कर सकता, समझ रहे हैं आपको। कुछ बेवकूफ़ों को सलाम। बेवकूफ़ को सलाम कैसे, पता है आपको? आप एक बात बताओ, एक छोटी सी बात बताती हूँ। विद्या देवी हमेशा सबको गाली देती है, ठीक है, जल्दी किसी को दिल से नहीं लगाती। मेरी एक आदत है, मेरे आज की तारीख में मेरी इंसानों में भी कोई दोस्त नहीं है, लेडीज में तो कोई दोस्त नहीं है। दो कहते हैं ना, एक दोस्ती के नाम पे, वो भी पंडित समाज में, लेकिन मैं इतना मायने नहीं रखती हूँ। मेरे घर में मेरी सबसे अच्छी दोस्त है मेरी बेटी, क्योंकि अब मैं उसी से सारी पंचायत करती हूँ और उसी से गाली भी सुनती हूँ, ऐसी बात है। लेकिन बाकी कोई दोस्त नहीं है दुनिया भर, मुझे कोई शौक भी नहीं है, क्योंकि मेरे को ना एक्चुअली मेरे साथ ज़्यादा दिन तो कोई टिक ही नहीं पाता है। क्योंकि मेरा ऐसा नेचर है ना, कि मेरा नेचर सबको पसंद नहीं आता, लेकिन जिसको मैं टिका लेती हूँ उन बेवकूफ़ों को एक बात बताऊँगी कि अरे बेवकूफ लोग, इतना बात समझो कि विद्या देवी ने तुमसे आके हाथ इसलिए मिलाया था कि दुनिया लोग फ़ायदा उठा रही थी, ठीक है ना। समझदार को इशारा काफ़ी है। दुनिया तुम फ़ायदा उठा रही थी, दुनिया को ऐसा लग रहा था इन दोनों के झगड़े में हमारी मलाई जमेगी, हम जो कांड करेंगे वो छुपा रहेगा, खुलेगा नहीं। लेकिन अचानक से कुछ दिन पहले लोगों को झटका लगा कि अरे ये क्या हो गया, अरे ये दोनों तो मिल गए, अब ये दोनों मिल गए तो हमारी दाल कैसे गलेगी, समझ में आया। कुछ लोगों को कितने दिनों तक ना परिवार से इज्जत मिल रही थी, ना किसी से इज्जत मिल रही थी, अचानक से हुआ कि फुटेज मिलने लगा, परिवार ने भी इज्जत दी, सबने इज्जत दी, चलो अब सब कुछ ठीक हो गया। बिगाड़ा किसने? विद्या देवी ने तो नहीं बिगाड़ा। अरे ठीक है, गाली गलौज होता है कौन सी, और मैं औरत हूँ ना, भगवान थोड़ी हूँ, मेरे अंदर भी तो हड्डी, मेरे अंदर भी तो भगवान ने हड्डी मांस से ही शरीर बनाया ना, थोड़ी ना लकड़ी वाला डाला है या लकड़ी का हड्डी लकड़ी का दिल डाला है कि नहीं। औरत तो मैं भी हूँ, सब में जलन भावना होती, सब में गाली गलौज होती। लेकिन बोलने का मतलब क्या है, जब विद्या देवी रियल में गाली दे रही थी तब तो किसी ने आके पूछा नहीं, लेकिन कुछ कमीनों के चढ़ाने पे तुमने अपनी हरकत बदल दी। मतलब कहते हैं ना, कुत्ते को घी हजम नहीं होती। बोलने का मतलब कैसा है, जब बोलना चाहिए था तब तो बोला नहीं, बाद में दूसरों के चढ़ाने में बोला, और जिसके चढ़ाने में बोला तुमने एक बार भी समझा कि सामने वाले को अब ये टेंशन आ गया कि अब ये दोनों लोग एक हो गए हैं, जिसके जिसके साथ विद्या देवी एक हो रही है, अब ये लोग सब लोग एक हो जा रहे, तो अब जब हम लोग जादू करनी या काला कांडी करेंगे तो हमारा नाम सामने आ जाएगा, अब तो इन लोगों का दोस्ती हो चुका है, तो अभी क्या करें। तब क्या किया गया, कान में मंत्र फूका गया, अरे तुम्हें पता क्या है, काले का काम तुम्हारे लिए करती है, बोलने का काम तुम्हारे लिए करती है। अरे बेवकूफ इंसानों, ये बोलना चाहिए था पलट के कि अगर ऐसा कुछ करती तो मिलने क्यों आती। बिगाड़ा क्या, जिनके लिए ताले का काम किया है ना, उनके लिए क्या हरकत है वो।
बात कैसा है मालूम है, जो लोग ने तुमको चढ़ाया ना उनको पता है कि विद्या देवी उनको कितनी बार इशारे में क्या क्या समझा चुकी, लेकिन वो लोग बेशरम थे ना, वो लोग जानबूझ के सुन के क्यों लेते थे, क्योंकि भाड़ में गई जनता अपना काम बनता, समझ में आया आपको बात को। तो सामने वाले को ये पता था कि भले गाली देने तो कुछ भी देने दे, लेकिन हम तो सामने है ना, हमारी मन की इच्छा तो हमारी पूरी हो रही है ना, ये बात है। लेकिन ये बात तुम जैसे बेवकूफों को समझ में नहीं आया कि जो इंसान ने हमें भड़काया, अलग करने की कोशिश की, एक्चुअली वो ना तुम्हें और मुझे अलग नहीं कर रहे थे, वो इंसान अपना काम बना रहे थे। उनका ऐसा था कि जब तक ये लोग लड़ेंगे भिड़ेंगे तब तक हमारी दाल गलेगी, तभी विद्या देवी क्या करेगी, अभी विद्या देवी ऐसा करेगी कि इन तालों के काम से तुम्हारे भोसड़े के अंदर मिर्ची भरेगी, और जो तुम्हारी गांड में मिर्ची लगी है वो सब कुछ बाहर निकलेगी, ठीक है ना। करने को तो कांड कर दिया, डर लगता है कि नहीं। मेरी विंध्यवासिनी माँ है ना, मेरी विंध्याचल की माँ है ना मेरी, वो मेरी माँ है, बेटी का बात वो ज़्यादा जानती है। सीढ़ी चढ़ने दी क्या, दर्शन दी क्या, अब वो क्या करेगी वो देखना। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, वो ऐसी है ना जो दुनिया में कहते हैं ना, माँ हो तो ऐसी हो, काली मैया तेरे जैसी हो, तो मेरी विंध्यवासिनी माँ ऐसी है ना कि जब विद्या देवी पे बात आती है ना तो वो भूल जाती है कि कौन क्या है, वो किसी को नहीं बख्शती है, ऐसी बात है। तो कोई बात नहीं, तैयार रहो जो होने वाला है उसके लिए, और बेवकूफों को सलाम। आज तक तुम लोगों को किसी ने पूछा नहीं था, लेकिन जब विद्या देवी ने हाथ बढ़ा के पूछा तो तुमने अपनी बेवकूफी के चक्कर में सब कुछ गवा दिया। अब बैठे रहो माला जपते हुए, क्या कर सकते हैं। लेकिन अब जो काम होगा वो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि आज से होगा खेल शुरू और दिवाली की रात को खेल होगा खत्म। क्योंकि अभी हम जाने वाले शमशान घाट, वहां से लाने वाले रीढ़ की हड्डी, दाएं पैर का क्या बोलते हैं, क्या दाएं पैर की हड्डी, वो सब, हाँ सॉरी वो अभी नहीं बताऊंगी, वो कल मेरी बेटी वीडियो बनाएगी, वो सारी चीजों की फोटोज डालेगी, उसके बाद हम देंगे सुल्तान को इंसानी रूप में, इंसानी रूप का काया। और हर बार विद्या देवी क्या ये हाजिर करती है, शक्तियां हाजिर करती है, सॉरी आज शक्तियां हाजिर करती है, इस बार विद्या देवी शैतान हाजिर करेगी, एकदम खा खूब कहते ना खूनखार शैतान हाजिर करेगी, मजा देखो। जय माता दी।